हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ का थर्ड चैप्टर जो कि है आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हम बात करते हैं पहले लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो पहले इक्वेशंस देखते हैं। जैसे इक्वेशन आपकी सिंपल, एक इक्वेशन लिखता हूं मैं 2x + 5 = 0। एक इक्वेशन लिखी है मैंने 2x² + 5x + 3 = 0 एंड 3x³ + 5x² + 6x + 3 = 0। तो ये कुछ तीन इक्वेशन लिखी है। हम पहले इन तीन इक्वेशन के बारे में बात करता हूँ, कैसी कैसी इक्वेशन होती है। तो देखिए, यहाँ 3x³ है। तो अब देखें, पहले इस इक्वेशन के बारे में बात करें तो पहले इनकी डिग्रीज देखते हैं। डिग्री क्या होता है, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है। डिग्री क्या होती है किसी भी इक्वेशन की, जो मैक्सिमम पावर होती है। तो देखा जाए इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर देखी जाए तो यहाँ पे क्या है, वो 3 है। तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पावर या तो 1 है या क्या है, 2 है। तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगी। यहां देखें तो x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो यहां डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी किसी भी इक्वेशन की जिसकी डिग्री क्या है, 1 है। मतलब यहां देखें, अगर हम जिसकी डिग्री 3 होती है उसे बोलते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। जिसकी डिग्री 2 होती है ऐसा बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और जिसकी डिग्री 1 होती है उसे बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशंस, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन के बारे में जानेंगे हम। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री क्या हो, केवल 1 हो। और सेकंड टर्म है इसमें टू वेरिएबल्स, मींस इक्वेशन कैसे होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए और जिसमें वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, 2। ऐसे इसकी बात करें तो यहाँ पे केवल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था ये, जो कि हमने 9th में बात की थी इसके बारे में। अभी हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखेंगे, जैसे 2x + 5y + 7 = 0। यहां देखें जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है। तो इक्वेशन कैसी हो गई है, लीनियर इक्वेशन हो गई है ना, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे, 1 है। डिग्री 1 है इनकी। और वेरिएबल्स देखें अगर हम यहाँ पे, तो एक x हो गया और एक y हो गया। तो यहाँ पे क्या है, लीनियर इक्वेशन है। और क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं। हमने 9th क्लास में एक कोई इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीखा था, है ना। ऐसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं। ठीक है, मान लो अपने पास एक इक्वेशन है जो कि है आपकी 2x + 3y = 6। ठीक है, 2x + 3y = 6, इस इक्वेशन को मैं इस ग्राफ पे शो करना है। इसके लिए क्या करते हैं, हम x और y की कुछ वैल्यूज पुट करते हैं और उनके टर्म्स में x या y की वैल्यू निकालते हैं और उसको हम इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे x बराबर जो है पहले 0 पुट कर देता हूं, है ना। क्या किया, x बराबर 0 पुट किया है। देखते हैं y बराबर क्या आएगा। अब इसमें जब x इक्वल 0 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 3y = 6। 2 × 0 = 0, 3y = 6 बचा, एंड यहां से y बराबर क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो y जब 2 आया, मीन्स x 0 पे y क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। और एक बार मैं यहाँ पे y इक्वल 0 पुट कर दे रहा हूं इस इक्वेशन में, जब मैं यहाँ y इक्वल 0 पुट करूंगा क्या आएगा, 3 × 0 = 6। 2x 3 × 0 = 0, तो क्या आया, 2x = 6 एंड x और आ गया आपका 3, है ना। तो y 0 पुट करने पे x क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। y 0 पुट करने पे x 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखें क्या बनते हैं हमारे, एक आता है आपका 0, 2 और एक आता है आपका 3, 0। ठीक है, तो इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले मान लो कि मैं कुछ इक्वल डिस्टेंस पे
पॉइंट्स ले लेता हूं उनके। ये अपना एक्स एक्सिस है तो यहाँ वैल्यू होंगे वही 1, 2, 3 सो ऑन। इधर अपना ये एक्स डैश एक्सिस है तो यहाँ पे डिस्टेंस होगी -1, -2, -3 ठीक है। ऊपर अपना वाई एक्सिस और नीचे अपना ये हो जाएगा वाई डैश एक्सिस ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करते हैं, क्या थी अपने पास कोऑर्डिनेट्स से 0, 2 and 3, 0 तो 0, 2 कहां पे होगा, 0 क्या है अपना x एक्सिस पे 0 है एंड y पे 2 तो 0, 2 कहां होगा, ये हो गया आपका 0, 2 और यहां बात करें 3, 0 है मींस x एक्सिस आपका 3 है और कोऑर्डिनेट आपका 0 है तो 3, 0 आपका ये हो जाएगा ठीक है। अब इनको हम ज्वाइन करते हैं और एक इक्वेशन एक लाइन शो करती है इसके लिए ठीक है। तो ये लाइन आती है अपने पास 0, 2, 3, 0 को हम जब ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन आई है ये किस इक्वेशन के लिए है 2x + 3y = x। अब ये लाइन जहां जहां होके जा रही है उसके वहीं पे उतनी सॉल्यूशन है मींस यहां देख सकते हैं हम कि x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज डिफरेंट आ रही है मींस इतनी बार x चेंज होगा उतनी ही y की वैल्यूज होंगी है ना। तो हम ऐसे ही कुछ इक्वेशन के बारे में बात करेंगे तो लिखते हैं। मान लो अपने पास कोई दो इक्वेशन है जिनको हम ग्राफ पे शो करते हैं, यहां दो इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। मान लो दो इक्वेशन कुछ इस तरह से जिनका ग्राफ अपना कुछ इस प्रकार से आता है। अब यहां दिख रहा है मुझे कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें ये याद रखना है जो भी लाइन है ना अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है या जहां भी इंटरसेक्ट करती है तो उनके उतने ही सॉल्यूशन हो जाते हैं। यहां दिखाया जा रहा है कि अगर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो यहां पे केवल इनका एक सॉल्यूशन होगा। तो ये लाइन कैसी है, ये लाइन है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन और सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, केवल 1 सॉल्यूशन ठीक है। अब एक कंडीशन लेते हैं, जहां लाइन मान लो कुछ इस तरह से चली जाती है एक दूसरे के एकदम पैरेलल निकल जाती है ना। अब हमें पता है जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा रही है तो वो कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो लाइन कैसी है आपकी, है ये लाइन हो जाएंगी पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइंस है और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा है ना। आगे एक और इक्वेशन देखते हैं, जैसे मान लो कि ऐसा होता है कि लाइन जो है एक ऐसे है और दूसरी लाइन जो रिप्रेजेंट करे वो भी ठीक इसी के ऊपर होकर निकल जाती है अगर है ना, सेकेंड लाइन भी ठीक इसी के ऊपर होकर आती है तो ये कितनी जगह इंटरसेक्ट करेंगे, ये इनफाइनाइट जगह है ना, ये बहुत सारे पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब ये लाइन कैसी है आपकी, ये लाइन है को इंसिडेंट लाइन और कोइंसिडेंट लाइन है एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके इनफाइनाइट सी सॉल्यूशन होंगे, ये ले सकते हैं हम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और याद रखना है हमें लाइन अगर किसी दो लाइन के कोई अगर सॉल्यूशन आते हैं तो उन लाइन्स को क्या बोलते हैं, हम कंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन है इसके तो ये लाइन कैसी होंगी, अगर कोइंसिडेंट लाइन होती है उन्हें बोलते हैं हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ठीक है। अगर जैसे यहां देखें तो ये भी कैसे थे, ये भी कंसिस्टेंट थे क्योंकि यहां भी सॉल्यूशन आ रहा था और यहां कोई सॉल्यूशन नहीं था तो इनको क्या बोलेंगे हम, इनकंसिस्टेंट। ठीक है आगे बात करते हैं, मान लो कि अपनी कोई एक 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 अपना लीनियर इक्वेशन, मैं 2 वेरिएबल लेता हूं जिसका जनरल फॉर्म क्या होता है अपना, अगर जनरल फॉर्म देखें इनका तो जनरल फॉर्म जो होता है इनका वो होता है अपना ax + by + c =
जीरो, ठीक है। तो अगर हमें दो लाइन दे रखी है और हमें उन्हें देख के पता लगाना है कि लाइन कैसी है, मतलब उनका सॉल्यूशन कितना है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है, तो उनके हम रेशियोज को देख के, है ना, एबीसी के रेशियोज को देख के भी हमें पता लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास दो लाइन है, एक लाइन में ले लेता हूं, अगर मान लो एक है अपने पास ए वन एक्स प्लस बी वन बाई प्लस सी वन इक्वल जीरो, एंड सेकेंड लाइन है आपके पास ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल जीरो। हमारे पास ये दो लाइन है ना, इनके हिसाब से देखते हैं कि इनके रेशियोज के हिसाब से, ए बी और सी के रेशियोज के हिसाब से कि इनके सॉल्यूशन कितने होंगे, या ये लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी, ठीक है। देखते हैं, ये याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आता है, हर साल आता है, क्वेश्चन पक्का आएगा। मान लो ऐसा है कि ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू, है ना, ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू का जो रेशियो है इक्वल नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो लाइन होती है वो होती है अपनी इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जो होंगी वो होंगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो लाइन सॉल्यूशन कितने होंगे इनके, केवल एक सॉल्यूशन होगा, और ये कैसे होंगे, कंसिस्टेंट लाइन होंगे, है ना। अगर बात करें, अगर आता है आपका ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू एंड इज नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू, मीन्स ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू का जो रेशियो आ रहा है वो से इक्वल आ रहा है और सी वन अपॉन सी टू के ये इक्वल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इनको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस होंगी और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे, है ना। और तीसरी कंडीशन होती है हमारी, अगर इन तीनों का रेशियो ए बी सी का रेशियो अगर इक्वल आता है, मीन्स ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू, इस कंडीशन में जो लाइन होंगी वो क्या होंगी, आपकी कोइंसिडेंट लाइन होंगी। और कोइंसिडेंट लाइन है तो एक दूसरे के ऊपर होकर जाती है, बहुत सारे पॉइंट्स से इंटरसेक्ट करती है, तो यहां सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, इससे क्वेश्चन कैसे आता है एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको मैं। जैसे मान लो कि अगर हमें दे रखा है कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल जीरो, एक हमें ये लाइन दे रखी है, सेकेंड मान लो दे रखी है हमें के एक्स प्लस 5y प्लस 4 इक्वल जीरो, ये हमें दो लाइन दे रखी है। अब इसमें देखते हैं, मान लो कि ये क्वेश्चन जो दे रखे हैं, हमें कंडीशन दे रखी होगी कि ये लाइन जो है वो कैसी है आपस में, ये लाइन पैरेलल लाइन है, लाइंस कैसी है, ये पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ पे जो के है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने भी क्या देखा कि जब लाइंस पैरेलल होती है वहां क्या आता है, ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू, वही हम यहां देखेंगे। तो लाइन जब ये पैरेलल है तो टू अपॉन के जो होगा क्या होगा, वो इक्वल होगा थ्री अपॉन फाइव के, है ना, क्या आ जाएगा, टू अपॉन के इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन फाइव, क्या आ जाएगा, के उधर जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, उधर आ जाएगा थ्री के एंड फाइव टू जो टेन, के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टेन बाई थ्री, है ना। इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, अभी एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन है, अभी हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे तब देखेंगे। और देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे दे रखा है के एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इक्वल जीरो और थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस सेवन इक्वल जीरो। अब इस कंडीशन में अगर बोलता है कि लाइन जो है ये को इंसिडेंट लाइन है, अगर ये लाइन को इंसिडेंट है तो k की वैल्यू क्या है, तो हमें क्या पता है कि लाइंस जब कोइंसिडेंट होती है, है ना, लाइन जब कोइंसिडेंट होती है तो क्या होता है, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2, तो यहां हम यही लगा देंगे,
क्या लगा देंगे, के अपॉन थ्री इक्वल्स टू टू बाई फोर इक्वल्स टू फाइव बाई सेवन। लेकिन यहाँ दिख रहा है ये गलत है लाइन, क्योंकि टू बाई फोर इज नॉट इक्वल्स टू फाइव बाई सेवन। इसको मैं थोड़ा लाइन को चेंज कर दे रहा हूँ, है ना, ये टू बाई फोर इक्वल्स टू मैं थ्री बाई सिक्स लिख ले रहा हूँ, क्योंकि टू बाई फोर और थ्री बाई सिक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, वन बाई टू का रेशियो होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, थ्री बाई सिक्स है, है ना। तो अब दिख रहा है यहाँ पे हमें के अपॉन थ्री को हम किसी के इक्वल पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपस में ये तीनों ही इक्वल है, है ना। के अपॉन थ्री इक्वल टू बाई फोर एंड इक्वल टू थ्री बाई सिक्स है, तो क्या आ जाएगा, किसी को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, थ्री टू जो सिक्स, यहां से सॉल्व करते हैं, मान लो इनको आपस में इक्वल पुट करते हैं, तो क्या आएगा, के इक्वल्स टू थ्री टू जो सिक्स अपॉन फोर, क्या आएगा, थ्री बाई टू, क्या यहां से के बराबर थ्री बाई टू। अगर मान लो मैं इसको इसके इक्वल पुट करता हूं, तो क्या आएगा, के बाई थ्री इक्वल थ्री बाई सिक्स, है ना। तो के इक्वल्स टू आ जाएगा नाइन बाई सिक्स, सॉल्व करेंगे इनको तो क्या आएगा, थ्री इंटू इसके अलावा क्या आएगा, थ्री अपॉन टू। दिख रहा है यहां से भी, जब मैंने इन दोनों के इक्वल पुट किया तब भी के इक्वल टू थ्री बाई टू आ रहा था, और जब मैंने इसको इसको इक्वल पुट किया तब भी के इक्वल थ्री बाई टू, क्योंकि तीनों रेशियोज ही आपस में इक्वल थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मान लो इसमें दो लाइन होंगी जहां पे हमसे क्वेश्चन एक्स और वाई की वैल्यू पूछेगा, ज्यादातर कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइन पे पूछेगा, क्योंकि कोइंसिडेंट में तो बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं, तो जहां यूनिक सॉल्यूशन होगा उनके निकालने के कुछ मेथड होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन निकालने का एक मेथड होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, एक होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका इस साल आ नहीं रहा है, तो उसको नहीं देख रहे हम, केवल दो मेथड जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड है, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो मैं दो कोई भी इक्वेशन लेता हूं, मान लो एक इक्वेशन मेरे पास है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल जीरो, एंड सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल जीरो। ठीक है, तो इसमें से हमें, इससे हमें x और y के वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि यहां दिख रहा है मुझे कि 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 3 बाई 4, है ना। अगर मैं देखूं यहां पे रेशियो देखूं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का, क्या आएगा, a1 अपॉन a2 इज 2 बाई 3, b1 अपॉन b2 इज 3 बाई 4, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। तो कंडीशन क्या होगी, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, लाइन क्या होंगी, यहां पे इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी और एक सॉल्यूशन होगा। तो इसको हमें शो करना है, इनका एक सॉल्यूशन क्या होगा, x और y की यहाँ वैल्यूज क्या होंगी वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखो नाम से पता चलता है, सब्स्टिट्यूशन जैसे फुटबॉल में या कबड्डी अगर आपने कभी देखा हो तो उसमें दिखता है, क्या करते हैं वहां पे एक प्लेयर को हटा के उसकी जगह हम दूसरा प्लेयर लेके आते हैं, है ना। तो वही करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, मीन्स एक की जगह पे हम एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करने वाले हैं। जैसे पहली क्वेश्चन से देखते हैं, पहली क्वेश्चन में क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल जीरो। यहां से मान लो मैं x की वैल्यू निकालता हूं, तो x इक्वल क्या जाएगा आपका, माइनस 3y माइनस 5 अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि दोनों उधर जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे और अपॉन में क्या जाएगा 2। इसको मैं चाहूं तो ऐसे ले सकता हूं, x इक्वल टू माइनस 3y प्लस 5 अपॉन 2, मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये आ जाएगा, है ना। अब ये x की वैल्यू आ चुकी है अपने पास, है ना। तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा, है ना, लो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो देखिए क्या आएगा, x की वैल्यू है, x की वैल्यू हमने क्या किया, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है पहले, फिर इसकी जो वैल्यू आती है वो हम सेकेंड इक्वेशन पुट कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन पुट करेंगे तो क्या है, सेकेंड इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल जीरो। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, देखो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई वाई, क्या है इसकी वैल्यू, 3y प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 4y, है ना, प्लस 10 इक्वल जीरो। क्या आएगा, 2 से 2 का 2 जाएगा, है ना, माइनस से बाहर क्या आएगा, ये माइनस 3y माइनस 5 प्लस 4y
प्लस टेन इक्वल जीरो, क्या आएगा माइनस थ्री वाई प्लस फोर वाई इज वाई, माइनस फाइव प्लस टेन इज फाइव इक्वल जीरो, है ना। और वाई उधर जाके फाइव उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो वाई इक्वल क्या आ जाएगा आपका माइनस फाइव, ठीक है। वाई माइनस फाइव आ गया, अब वाई की वैल्यू क्या करेंगे उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे इसमें, तो ये क्या आएगा यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या आएगा यहाँ पे माइनस थ्री इंटू वाई की वैल्यू आई है आपकी माइनस फाइव प्लस फाइव अपॉन टू, है ना। थ्री फाइव जब क्या हो जाएगा आपका फिफ्टीन हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे मैं थोड़ा सा सोल्व कर दे रहा हूँ, क्या आएगा ये माइनस थ्री फाइव जब फिफ्टीन प्लस फाइव अपॉन टू, माइनस फिफ्टीन प्लस फाइव इज माइनस टेन, माइनस टेन होगा और बाहर भी माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा आपका टेन बाई टू एंड ये जाएगा आपका फाइव टाइम। तो यहाँ क्या दिखा हमें x इक्वल क्या आ गया, x इक्वल आ गया आपका फाइव, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। जैसे हमने क्या किया, एक इक्वेशन से किसी की भी वैल्यू, हम चाहे x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल के क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना। वहां से हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दूसरा मेथड जो आपका एलिमिनेशन मेथड है, इससे भी एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड को देखते हैं। इसमें क्या है कि एलिमिनेट मीन्स क्या होता है कि किसी प्लेयर को एलिमिनेट कर देना, मीन्स गेम से बाहर कर देना। तो वही देखेंगे, मान लो दो इक्वेशन लेता हूं मैं, ठीक है। अपने पास 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल जीरो, एक अपने पास मान लो 4x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल जीरो, ये दो इक्वेशन है अपने पास। अब हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन में क्या करना है, मुझे एक इनमें से टर्म को खत्म करना है, पूरी तरह से ना हटाना है यहां से। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या लिखा है, 2x लिखा है और यहाँ क्या है 4x है, है ना, यहाँ 3y है और ये 5y है। इनमें से मुझे किसी एक को एलिमिनेट करना है पूरी तरह से। एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, हम किसी भी टर्म को सेम करेंगे, जैसे यहाँ 2x है और यहाँ 4x है, तो मैं इसको 4x बनाने की कोशिश करूंगा। तो 2x को हम 4x कैसे बना सकते हैं, जब इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे जब, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जब मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे क्या आएगा, 4x प्लस 6y प्लस 14 इक्वल जीरो, ठीक है। अब ये आ गया, अब हम क्या करेंगे, दिख रहा है कि यहां भी 4x पॉजिटिव है, ये भी 4x पॉजिटिव है। जब ऐसी कंडीशन हो कि दोनों ही साइन एक जैसे हो, दोनों ही अगर पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, तो हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को ऐड करते हैं। ऐसे मान लो कि यहाँ 4x है और यहाँ माइनस का 4x है, तो ऐड करेंगे क्या होगा, 4x से 4x कट जाएगा। अब पहले से यहाँ पे 4x दोनों ही पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, हम नीचे वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या होता है, इनके साइन चेंज हो जाते हैं, मिस पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस, तो क्या होगा, 4x में से 4x गया, कट जाएंगे आपस में, 5y माइनस 6y इज माइनस वाई, 10 माइनस 14 इज माइनस 4 इक्वल जीरो, माइनस 4 तो जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड वाई इक्वल्स टू माइनस 4, ठीक है। तो y की वैल्यू माइनस 4 आती है, और y की वैल्यू को हम इन तीनों में से किसी भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन पुट करो x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन में ही वाई की वैल्यू पुट करता हूँ इसमें, है ना, देखिए क्या आएगा, इक्वेशन क्या है अपनी, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल जीरो, तो y की वैल्यू माइनस 4 पुट करनी है इसमें, तो क्या आएगा, 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई वाई माइनस 4 प्लस 7 इक्वल जीरो, ये आ जाएगा 2x माइनस 12 प्लस 7 इक्वल जीरो, हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल जीरो, एंड 2x इक्वल्स टू माइनस 5 जाके पॉजिटिव हो जाएगा, एंड x बराबर आ जाएगा आपका 5 बाई 2, ठीक है। तो ये आपकी y की वैल्यू आई है और ये वाली वैल्यू आपकी x की आ गई है, है ना। ऐसे और भी क्वेश्चन हमें बुक्स में दिखेंगे, एनसीईआरटी को दिखेंगे, और फिर हम दिसंबर में जाके जो प्रीवियस क्वेश्चन है इन चैप्टर्स के,
जो भी पहले एग्जाम में 2010 से लेके अब तक जो आ चुके हैं उन सबको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे फिर।